नमस्कार, मैं हूं मानसी अरोड़ा और स्वागत है आप सभी का खबर प्रादेशिक में। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पूरे देश में एक बार फिर से राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं सुलह कुल की नगरी आगरा के पास एक ऐसा गांव भी है जहां मुस्लिमों के नाम पर किशोर और अशोक मिलेंगे तो हिंदू के नाम पर मलूक और अब्दुल। ये ऐसा गांव है जहां मुस्लिम संस्कृत में श्लोक पढ़ ही नहीं लेते बल्कि उनका अर्थ भी बता देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देना ही इस गांव का उद्देश्य है। बात तो ये है, मैं बताऊँ आपको बात कि मैं जो है शुद्ध मुस्लिम हूँ और मुझे नफरत किसी धर्म से नहीं है, क्योंकि हमारे जो असल में ये होता है इस्लाम की जो तालीम है उसके मौलवी लोगों ने बिगाड़ के लोगों के सामने पेश किया है और वो ऐसे ढंग से जो है बात करते हैं और बताते हैं कि कट्टरपन जाहिर होता है और झगड़े फसाद की उम्मीद होती है। बाकी मैंने जो इस्लाम की स्टडी की है उसमें तो यही पाया है कि भाई हर धर्म के ऋषि मुनि अवतार का सम्मान करो। गांव में एकदम बढ़िया माहौल रहता है, हिंदू भी है मुस्लिम भी है, दोनों साथ साथ रहते हैं। मुस्लिम है जो नमाज पढ़ते हैं, हिंदू है पूजा पाठ करते हैं अपने, कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। एक ही परिवार के लोग ही परिवार के हैं और दोनों भाई भाई भी हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है। ये परिवार हमारे गाँव में वैसे तो एक नासाय को छोड़ करके नहीं है और चार बे हैं खानदान, इनमें आधे मुसलमान हैं आधे हिंदू हैं। मतलब एक ही बाप के बेटे हैं? एक ही बाप के हैं, उसमें चार बाप बेटे हैं तो उसमें दो हिंदू हैं दो मुसलमान हैं, तीन हिंदू हैं तो एक मुसलमान है। पूरे देश में ऐसे कई बार लड़ाई वड़ाई ऐसा है, यहाँ कोई दंगे फंगे का काम नहीं है, मुसलमान खूब बढ़िया मिलके रहते हैं, एक ही बाप की औलाद है, यहाँ कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ भी होता रहे देश में यहाँ पे। हाँ कच्चू होते रहे हो, हमारे त्योहार को बे मनाते हैं, हम उनके त्योहार को मनाते हैं।